Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. Hello friends, welcome to Pharma for You. आज की वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की, उसके बारे में. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की जॉब चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.pharmaforyou.in को सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें रेगुलर जॉब्स की अपडेट उनके मेल पर मिल सके. तो चलिए शुरू करते हैं. ये जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत निकली है, जो कि कोलकाता के लिए निकली है. तो जो हम बात करेंगे वो है, देखिए यहाँ लिखा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू रिटर्न टेस्ट ओनली. ओके, दैट मींस कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होगा. दो तरह की वैकेंसी निकली है. हमारे जो काम की है वो है फार्मासिस्ट की. तो कैटेगरी नंबर वन वो है फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड एलोपैथिक. एलोपैथिक फार्मासिस्ट ही इसको अप्लाई करें, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट इसे अप्लाई नहीं कर सकते. नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो एट प्रेजेंट लिखा है 4 वैकेंसी हैं. देखिए कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट. और इसमें से 2 अनरिजर्व की है, 1 एससी की है और 1 ओबीसी की है. 3 जो निकली है वो सिलीगुड़ी के लिए निकली है और 1 जो निकली है जलपोगरी के लिए निकली है, जो कि CGHS वेलनेस सेंटर जो वहाँ पर है उसके लिए ये वैकेंसी है. नंबर ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसी अप टू दिसंबर 2020 जो लिखा है वो 3, ये लिखा है 1 एसटी एंड 2 फॉर अनरिजर्व्ड इन कोलकाता. ये दिसंबर तक की थी, ठीक है. और अभी जो इन्होंने अपडेट करी है वो है 4 वैकेंसी टोटल. पे स्केल की बात करें तो लेवल 5 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में यही रहता है, जो ग्रेड पे रहेगा वो 29,200 से लेके 92,300 तक रहेगा. दैट मीन्स जो सैलरी आपकी रहेगी वो अराउंड 40,000 प्लस रहेगी अभी की बात करूँ मैं तो, DHRS सब मिलाकर. असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए 12th क्लास पास विथ साइंस चाहिए फ्रॉम इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. उसके बाद चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर. विद दिस 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिएगा फार्मासिस्ट का एनी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और फार्मेसी आफ्टर ड्यूली रजिस्टर्ड एज अ फार्मेसी अंडर फार्मेसी एक्ट 1948. दैट मीन्स आपका जब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो कि किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल या किसी रेप्यूटेड फार्मेसी में होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर है तो वहाँ का भी लगा सकते हैं, पर वो ध्यान रखिएगा कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस मेडिकल शॉप का. उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपने बी फॉर्म किया है तो वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए और में लिखा है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. उसके बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर. इसके अंदर देखिए अगर आपने बी फॉर्म किया है तो कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस होना इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा और डिग्री किया है तो कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिएगा. एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल है एज लिमिट, यानी 25 साल से कम के लोग ही इसे फिल कर पाएंगे. उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए 40 ईयर्स रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए और 45 ईयर रहेगी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के लिए अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करता है. तो ये सारी बातें थी फार्मासिस्ट वैकेंसी की. अब हम देख लेते हैं रूल्स. ये रहेगी कि देखिए जो मेरिट लिस्ट रहेगी विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा. जो लास्ट डेट है वो है 4th of February 2020. तो जितनी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन और जितना एक्सपीरियंस है वो आपका 4 फरवरी 2020 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए. अगर आप जैसे लास्ट ईयर में हैं या फिर बी फॉर्म के तो ये मान्य नहीं होगा, या फिर आपको अभी 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, 1.5 साल का ही हुआ है तो भी ये मान्य नहीं होगा. तो 4 फरवरी से पहले आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाना चाहिए. और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी वर्किंग है तो उसे प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना होगा और वो भी बिफोर 4th February 2020 और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा उनके सामने. ओके, इसके बाद जो बात है एज रिलैक्सेशन जो रहेगी वो अभी हमने बात कर चुके हैं उसके बारे में. तो उसका भी एक ऑफिशियल आपके पास STSC और OBC का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कैटेगरी का, जिससे कि आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम कर पाएँ.
ओबीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया है, जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो डिक्लेरेशन होता है एज का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मान्य होता है, उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मेट में आप उसे वहाँ पर प्रस्तुत करें। उसके बाद है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी जब भी मान्य होंगे जब वो क्रीमी लेयर में ना आते हों, ओके। अदरवाइज अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उन्हें जनरल ही मान्य किया जाएगा, तो वो जनरल कहलाएंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, देखिए तो द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन सपोर्टेड विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट शुड बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट। तो देखिए क्लियरली मैंशन किया स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजें इसे, तो प्रीफर करें कि स्पीड पोस्ट से आप इसे भेजें। और जो एड्रेस दिया है वो देखिए आप, एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कोलकाता, यहाँ पहुँच जाना चाहिए 4 फरवरी से पहले। इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, ये आपको बाहर लिफाफे के ऊपर सही से लिखना है बड़े अक्षरों में कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट एंट्री लेवल एलोपैथी, ओके। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आल्सो भी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, यहाँ वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा और डाउनलोड के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस यहाँ पे दिया है, देखिए ये कुछ स्टेट्स हैं यहाँ के, अगर यहाँ से आप अगर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 18 फरवरी 2020 लास्ट डेट है फॉर्म को पहुँचाने की। तो कॉल लेटर्स एलिजिबल एप्लीकेंट्स को पोस्ट द्वारा पहुँचा दिया जाएगा, सेंड टू द एलिजिबल एप्लीकेंट्स आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप एलिजिबल हैं और आप सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फॉलो करते हैं देन आपको कॉल लेटर आपके घर पे पोस्ट के द्वारा पहुँचा दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी वैलिड फ्रॉम 1 ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन, और जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हो सकती है, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका गड़बड़ हो सकता है, ओबीसी सर्टिफिकेट गड़बड़ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें सही होना चाहिए। ये कारण दिए हुए हैं इससे ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। और उसके बाद लास्ट डेट के बाद अगर रिसिप्ट होती है किसी फॉर्म की तो वो मान्य नहीं होगा, तो 4 फरवरी से पहले आप उसे पहुँचा दें वहाँ पे। उसके बाद देखिए फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन भी दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे एंट्री नंबर ये आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट एंट्री गेट कैटेगरी यहाँ फिल करना है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फोटो लगाना है आपको, सिग्नेचर करना है आपकी, सो बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे फिल करनी है, और जितनी भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जितनी असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी, दैट इज़ इन केस डिप्लोमा और एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको डिप्लोमा की सारे सेम की मार्कशीट और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसी के साथ अगर बी फॉर्म किया है तो बी फॉर्म की मार्कशीट और आपके पास कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो सब साथ में लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और आपको उस पोस्ट पर 4 फरवरी से पहले पहुंचा देना है। तो ये सारी जानकारी थी CGHS कोलकाता की लिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें फार्मा फॉर यू। थैंक यू।